नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में आज जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें जिसके चलते आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता दर्शन हॉल में जनता से मिलने वाले हैं। साथ ही जनता की समस्याएं भी सुनेंगे और उनका निस्तारण भी करेंगे। आम लोग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी समस्याएं रख सकेंगे और ऐसे में उसका निस्तारण भी जो है वो कर दिया जाएगा। तो देहरादून में बता दें मुख्यमंत्री का ये जनता मिलन कार्यक्रम है और कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जनता मिलन कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। ऐसे में मुख्यमंत्री सीधे तौर पर लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर जनता जो है अब मुख्यमंत्री से मिल सकेगी और अपनी समस्याएं जो हैं वो उनके सामने रख सकेंगी। तो बता दें कि जनता मिलन कार्यक्रम जो है ये आयोजन इसका किया जा रहा है देहरादून में और ऐसे में सीधे तौर पर जनता जो है वो मुख्यमंत्री से मिल सकेगी और अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रख सकेगी, जिसका निस्तारण भी किया जाएगा। हालांकि जो ये जनता मिलन कार्यक्रम है थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। 10 बजे का इस कार्यक्रम का समय रखा गया था, कुछ ही देर और ऐसे में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है, ये जनता मिलन कार्यक्रम क्या शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास पर ये जनता मिलन कार्यक्रम रखा गया और ये देखा गया था कि जब से भाजपा सरकार प्रदेश में आई थी उसके बाद से जनता से रूबरू होने के लिए, उनकी समस्या को समझने के लिए सरकार ने इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे। और न केवल मुख्यमंत्री बल्कि प्रदेश में जो भी मंत्री हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो या फिर कैबिनेट मंत्री, तमाम मंत्रियों को ये निर्देश दिए थे कि वो भी जनता मिलन कार्यक्रम करें और लोगों की समस्या सुने। हालांकि पिछले दिनों कोविड के चलते ही जो ये कार्यक्रम था पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, और लेकिन एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी सरकार में जो कार्यक्रम है जनता मिलन कार्यक्रम, ये शुरू हो गया, जिसमें जो आम जनता है वो अपनी समस्या लेकर पहुंचेगी मुख्यमंत्री के दरबार पर और मुख्यमंत्री के साथ ही वहाँ आला अधिकारी मौजूद होंगे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग के हों, विद्युत विभाग के हों, सिंचाई विभाग के हों, जिला के जिला संभालने वाले जिला अधिकारी, तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि सीधा सरोकार जो जनता है वो मुख्यमंत्री से करेगी और अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखेगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री दिशा निर्देश जो अधिकारी है उनको देंगे और जल्द से जल्द उनकी मदद संभव हो सके इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और ये एक अच्छा पहल है भाजपा सरकार की ओर से कि जनता सीधा अपने मुखिया से मिल सकती है, अपनी समस्या मुखिया के सामने रख सकती है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस कार्य योजना में जो जनता मिलन कार्यक्रम रखा गया है, इसमें कहीं ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जो कि मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगाते हुए नजर आते हैं और अपनी समस्या अधिकारियों के पास नहीं पहुंचाने के जरिए सीधा मुख्यमंत्री दरबार पर लाते हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं नजर रहेगी उन अधिकारियों की जो कि मुख्यमंत्री दरबार में आने वाले लोग होते हैं उन पर। जी बिल्कुल सुभाष, और कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं? हेलो सुभाष, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी सुभाष, मैं ये जानना चाह रही थी कितने लोग शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, कुल मिला के कहा जा सकता है कि 100 से अधिक लोग जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर जो व्यवस्था है लगभग 100 लोगों की व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है वो अगर इन जनता मिलन कार्यक्रमों के लिए अपना समय ले सकता है। इसके लिए बीजेपी दफ्तर से भी अपॉइंटमेंट लिए जाते हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर भी इनके अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। हालांकि जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रखा गया है, जिसमें जनता आएगी और मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखेगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि आला अधिकारी वहां मौजूद होंगे और उनको मुख्यमंत्री दिशा निर्देश जरूर देंगे किस तरीके से लोगों की मदद की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कार्यक्रम स्थगित होता है, और कहा जा सकता है कि इसके बावजूद भी लगातार जो कार्यक्रम इस हफ्ते कराया गया उसके बाद यदि अगले सप्ताह कार्यक्रम नहीं कराया जाता है तो लोगों की उम्मीद जरूर टूटती हुई नजर आती है। जी
जी चलिए सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें मुख्यमंत्री जो है जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और सीधे तौर पर आम जनता मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखेगी और उसके निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे ताकि जल्द से जल्द उन सभी की समस्याओं को सुलझाया जा सके। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू की वजह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में लोग अपने घरों में आसपास के झोला छाप डॉक्टरों की सलाह पर ही घर में इलाज कर रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है और इसकी झलकारी नगर इलाके में कई परिवार तो ऐसे हैं जो अपने घरों में ही इस वक्त बच्चों का इलाज करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में जगह नहीं होने की वजह से जो स्थानीय डॉक्टर हैं उनकी सलाह पर ही घर में इलाज करवाया जा रहा है। दवाई और ग्लूकोज ड्रिप बच्चों को घर पर ही चढ़ाया जा रहा है। ऐसे में बता दें फिरोजाबाद में हर बीतते दिन हालात जो हैं वो बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह हो गया है कि अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है जिससे मजबूर अब जो परिजन है वो अपने बच्चे का या फिर अपने पेशेंट का इलाज जो है वो घर पर ही कराने को मजबूर हैं। ऐसे में सड़क के जो डॉक्टर आसपास के इलाके में जो डॉक्टर नजर आते हैं उनसे भी इलाज कराते हुए नजर आते हैं और ऐसे में उनसे ही वो इलाज के बारे में जानकारी लेते हैं और किस तरह से उनका इलाज कराना चाहिए बच्चों का और घर पर ही इलाज कराने को वो मजबूर हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशन चंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, फिरोजाबाद में देखिए हर बीतते दिन की बात की जाए तो हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल क्या हालात हैं? अभी कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने बच्चे जो हैं इस वायरल बुखार की चपेट में आ चुके हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है? करुण, मैं बताना चाहूंगा फिरोजाबाद के हालात अभी भी बदतर बदतर बने हुए हैं। तक लगभग जो है करीब 42 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसमें कई अन्य लोग शामिल हैं और मुख्यमंत्री ने सीएम को भी इसमें बदलाव किया था और ये जो सदर विधायक है और भी अन्य विधायक है क्षेत्र में जो की जगह जाते हैं इसमें दौरा कर रहे हैं और नगर निगम और नगर पालिका द्वारा स्ट्रॉन्ग कराई जा रही है लेकिन वो अभी उसी तरीके से नहीं हुई है। हालांकि किशन, आपकी आवाज क्लियर नहीं मुझ तक पहुंच पा रही है, शायद आप नेटवर्क वाले इलाके में नहीं है, कहीं बाहर जाके बात करिए तब आपकी आवाज मुझ तक क्लियर पहुंच पाएगी। हेलो जी किशन, बताइए। जी परोल, जैसा कि स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है और स्वास्थ्य विभाग भी प्रयासों में जुटा हुआ है लेकिन अभी जो जिस तरीके से सुधार होना चाहिए वो अभी सुधार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल किशन, लेकिन देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि फिरोजाबाद में हालात इतने खराब हो गए हैं कि अस्पतालों में अब जगह नहीं है, इसीलिए मजबूर होकर जो लोग हैं वो घरों पर ही अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। जी परोल, जो कि वहाँ सौतैया जो अस्पताल जो बनाया गया था मरीजों के लिए वो पूरा फुल हो चुका है और जो अन्य दूसरे उसमें कमरे में उसमें शिफ्ट किया जा रहा है उसमें भी अलग तरीके से जो बेड बिछाए जा रहे हैं ऐसे आने वाले मरीजों के लेकर। हालांकि स्वास्थ्य विभाग प्रयासों में जुटा हुआ है लेकिन जिस तरीके से अगर स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही ये बारिश और ये जमा जो पानी हुआ है उसको लेकर अगर पहले से ही अगर तैयारियां की होती तो आज ये हालात नहीं बिल्कुल हुए। बिल्कुल किशन, सवाल यही है कि अगर तैयारियां पहले से कर ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज अस्पताल जो है वो इस तरह से नहीं भरे नजर आते और इस तरह से लोग जो है वो घरों पर इलाज कराने के लिए मजबूर नहीं होते अगर तैयारियां पहले से कर ली जाती तो। जी, और किशन एक बात ये भी जानना चाहूंगी, देखिए कोरोना की अगर बात कर ली जाए दूसरी लहर के दौरान काफी योगी सरकार की तारीफ हुई थी कि बहुत अच्छे तरीके से यूपी में कोरोना को कंट्रोल किया था, लेकिन अगर अच्छे तरीके से कोरोना कंट्रोल कर लिया, ये बुखार कोई नया नहीं है, पहली बार नहीं आया, हर साल यूपी में सरा का इस मौसम में बुखार ये वायरल होता है और बच्चे इसकी चपेट में आते हैं, क्यों फिर इस बार तैयारियां नहीं की गई? जी परोल,
जी मैं बताना चाहूंगा कि हर मौसम में इन दिनों बुखार वायरल फीवर का कहर देखा जाता है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो शायद इसमें कुछ तैयारियां नहीं कर पाता है। क्या कारण है आखिरकार, जो कि जिलाधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। सरकार इंतजार करते रहते हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग कि कब ऐसी स्थिति आएगी और कब इस पर काम किया जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके स्वास्थ्य विभाग अगर हर बार की अपेक्षा से अगर इस बार भी अगर तैयारियां करके चलेगा तो शायद ऐसी इंजरी होने से बचाया जा सकता है। अभी भी अगर देखा जाए तो हर किसी प्राइवेट डॉक्टर पे या किसी अस्पताल पे और जिला अस्पताल में जो कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और बावजूद जो कि आज जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल किशन, और इसीलिए हालात जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद सहित यूपी के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर ये वायरल फीवर और डेंगू का कहर देखने के लिए मिल रहा है। हालात जो है वो दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है, इसीलिए बच्चों का इलाज घर पर ही कराने को परिवार जो है वो मजबूर है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी सुहास एल यथिराज का टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। एसएलए 4 वर्ग में उन्होंने फाइनल में स्थान बना लिया है और ऐसे में सुहास के पास गोल्ड मेडल जीतने का सुनहरा मौका है। फाइनल में अब परिवार को उनका सामना वर्ल्ड नंबर 1 लुकास मजूर से होगा, जिन्होंने सेमीफाइनल में भारत के तरुण ढिल्लो को मात दी थी। बता दें 38 साल के सुहास ने पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 31 मिनट में 21-15 से हरा दिया और ऐसे में SL3 वर्ग में प्रमोद भगत की फाइनल में पहुंच गए हैं। ये बता दें खिताबी मुकाबला शनिवार को ही भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे खेला जाएगा, यानी कि आज दोपहर 3 बजे मुकाबला होगा। और अपने ग्रुप में 3 में से 2 जीत दर्ज करने के बाद सुहास ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। बता दें सुहास को ग्रुप के आखिरी मुकाबले में शुक्रवार को फ्रांस के शीर्ष वरीय लुकास मजूर ने 15-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में एसएल वर्ग में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिन्हें खड़े होने में दिक्कत हो या निचले पैर में विकार हो, जबकि एसयू में ऊपरी हिस्से के विकार वाले एथलीट खेलते हैं। सुहास के एक टखने में समस्या है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के रूप में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका भी निभाई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, जिस तरह से देखिए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब एक कदम और गोल्ड मेडल वो जीत सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़े ही खुशी का समय है और ये गौतम बुद्ध नगर के लिए दोहरा खुशी का, क्योंकि खुद गौतम बुद्ध नगर के DM है सुहास एल भाई और उन्होंने अभी तक अपने जो मुकाबले लगातार जीते थे वो इस सफा जीते थे। हालांकि वो ग्रुप के एक मैच में जरूर हारे थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को सेमीफाइनल में हराया है और अब फाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है, जहां पर कल उनका मुकाबला वो फाइनल मैच खेला जाएगा। तो अब देश को इंतजार है कि DM साहब जो है वो गोल्ड लेकर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ पूरे गौतम बुद्ध नगर में खुशी का माहौल है, ट्विटर से लेके हर जगह हर सोशल मीडिया पर DM सुहास एल भाई की तारीफ हो रही है और उन्हें बधाई दी जा रही है और सभी लोग गोल्ड के लिए उनसे कामना कर रहे हैं, चाहे उनके अधिकारी हो, उनके साथ काम करने वाले ADM हो, SDM हो, जितने भी अधिकारी हैं उनका सबका कहना है कि DM आएंगे तो अब गोल्ड के साथ ही वो वापस आएंगे। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी DM ऑफिस में हैं वहां पर भी एक जश्न का और खुशी का माहौल है, क्योंकि कल का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल DM सुहास एल भाई का जो मुकाबला है वो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, हालांकि फाइनल मुकाबले में कई टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि DM सुहास एल भाई जब वापस आएंगे तो गोल्ड के साथ ही वो यहां पर वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भूपेश, और देखिए कहीं ना कहीं जो DM है उनका ये प्रदर्शन जो है वो हर तरफ हर जगह ऐसा शानदार ही देखा जाता है। अगर कोरोना काल की बात कर ली जाए तो कोविड-19 के समय में भी उन्होंने लड़ाई जो है उसमें अहम योगदान दिया था और ऐसे में अब जब वो टोक्यो में भी देश का नाम गौतम बुद्ध नगर का नाम रोशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि गौतम बुद्ध नगर में भी खुशी का माहौल होगा, उनके परिवार में भी खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल, देखिए जब कोरोना की लहर आई थी तो गौतम बुद्ध नगर में लगातार मामले बढ़ रहे थे, जिसके बाद यहां से BN सिंह जो DM थे उनको हटाया गया था और उनके बाद
इनको यहाँ पर भेजा गया था कि कोरोना के मामलों को आपको कैसे करके कम करना है, आपको देखना है कि हमें कोरोना को कैसे कंट्रोल करना है। इन्होंने लगातार रणनीति बनाई थी और दूसरी वेव में इन्होंने धरातल पर जाकर के कार्य किया था और कोरोना में लगातार इन्होंने इनकी तरफ से अच्छा कार्य देखने को मिला था, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने गौतम नगर की तारीफ की थी और गौतम नगर के डीएम सुहास एलवाई की तारीफ की थी। तो इनके चाहे वो कर्मचारी हों, इनके साथ रहने वाले लोग हों या इनके परिवार के लोग हों, हर कोई इस समय एक खुशी का माहौल है हर जगह पर और हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। ये ऑलराउंडर है, बताया जा रहा है कि ये खेल तो खेलते ही हैं, इसके अलावा जो इन्होंने अपने प्रशासनिक तरीके से कार्य करते हैं वो भी बखूबी निभाया है और गौतम बुद्ध नगर को कोरोना से जिस तरह से लगातार मामले घटे हैं उससे भी कहीं ना कहीं बचाया था। जी बिल्कुल भूपेश, और इसीलिए दुआओं का जो दौर है वो लगातार जारी है, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि फाइनल में वो गोल्ड जो है वो जीत ले, और इसीलिए हम भी यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द फाइनल मैच जब होगा वो गोल्ड जीत कर आए और देश का नाम रोशन कर दें। इसी के साथ चलिए भूपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें सुहास जो है गोल्ड मेडल जीतने से बस एक कदम दूर है, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। ऐसे में पैरा ओलंपिक में भारत का लगातार शानदार प्रदर्शन जारी है, गौतम बुद्ध नगर के जीएम भी लगातार प्रदर्शन जो है वो अच्छा कर रहे हैं और लगातार इनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से ही अब वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब एक कदम दूर और जल्द ही हो सकता है कि सुहास जो है वो गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम पैरालंपिक में रोशन कर दें। कुशीनगर के तमकुहीराज अहिरौली दान क्षेत्र में सड़क गड्ढा मुक्त करने और सड़क मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की तरफ से किए गए फर्जी भुगतानों के जरिए सरकारी पैसे का गमन और सड़क का दोहरीकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दो सालों से 20 किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त हो चुकी सड़क और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हेमराज सिंह, सहायक अभियंता संतोष विश्वकर्मा सहित अवर अभियंता प्रिंस मौर्य की तरफ से किए गए धांधली, फर्जी भुगतान सहित 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में भुलिया बाजार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कामरेड लल्लन राय, कामरेड सगीर आलम, कामरेड मतीउल्ला सिद्दीकी, सुदामा यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सभा कर सड़क जाम किया और ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी AR फारूकी ने संबंधित विभाग के अभियंताओं को मौके पर बुलाया और सड़क जाम खुलवाकर बातचीत की। इस दौरान बता दें हमारे संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता की तरफ से सहायक अभियंता संतोष विश्वकर्मा से पूछे गए सवालों पर कन्ने काटते और झूठ बोलते हुए वो नजर आए। चलिए कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओपी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी गुप्ता, आप ही बताइए किस तरह से जब आपने सवाल पूछा तो किस तरह से वो कन्नी काटते नजर आए और झूठ बोलते हुए नजर आए? जी जी मैं बताना चाहूंगा, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश का ये आखिरी जनपद है और यूपी बिहार की सीमा से सटा हुआ है, जहाँ ये जो तपकोली अरौली मार्ग है ये 2 वर्षों से खराब और टूटा पड़ा है जी, जो बिहार को भी जोड़ता है जी। इस पे काफी दिनों से अनशन प्रदर्शन धरना सभी दलों के लोगों ने किया है। अभी परसों जो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ललन राय के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन किया जी, रोड जाम किया, उस पे SDM तमकोही AR फारूकी और सहायक अभियंता संतोष विश्वकर्मा यहाँ मौके पे आए थे जी। हम न्यूज इंडिया ने कुछ सवाल जानना चाहा जिसपे अधिकारी बिल्कुल कन्नी काटते नजर आए, झूठ बोलते नजर आए, इनके झूठ पे लोगों ने काफी हुटिंग किया, विरोध किया जी। और ये बात करने से बिल्कुल कतराते रहे, भगते रहे। सड़क की दुर्दशा बहुत खराब है, जिसपे सत्ता पक्ष से लेके विपक्ष ने भी शासन को मुख्यमंत्री तक भी लेटर दिया है, लेकिन ये सड़क यथावत पड़ी है और लोग आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ओपी गुप्ता, और देखिए जिस तरह से ये 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, ऐसे में SDM ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन देखिए आमतौर की बात कर ली जाए तो आमतौर पर देखिए आश्वासन तो दे दिया जाता है लेकिन कभी भी कार्रवाई की नहीं जाती, अगर की भी जाती है तो आधी अधूरी कार्रवाई होती है, जनता जो है वो बाद में परेशान ही नजर आती है। जी मैम ये बिल्कुल सही है, ये धरातल पे जो योजनाएं हैं उतर नहीं पाती हैं। आज जिस तरह से जो हालात इस सड़क के बनी हुई हैं, ये मेरे ख्याल से प्रदेश का
मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है और बड़े आंदोलन की ओर ये न्यू पड़ रहा है इस सड़क के लिए। मैम मैं बताना चाहूंगा जो लोक निर्माण विभाग कथिया कुशीनगर है जी। ये विभाग भ्रष्टाचार के लिए काफी फेमस रहा है और इस सड़क पे जिस सड़क की बात मैं कर रहा हूँ इस सड़क पे इन लोगों ने काफी फर्जी भुगतान किए हैं और अपने ठेकेदारों के रख के वहाँ पे काम कराए हैं जिससे ये नौबत आई है। छावा ईंट जो गिरा के बिल्कुल रोलर के बिना छोड़ दिया गया है ओपी गुप्ता, लेकिन देखिए ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है, घोटाला धांधली की गई है, अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि देखिए कोई अभी इन आम दिनों का मामला नहीं है, बीते कुछ दिनों का मामला नहीं है, ये पहले का मामला है, फिर अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? मैडम मैं इस पर प्रकाश डालूंगा क्योंकि ये विभाग भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल फेमस रहा है जी। मीडिया में भी खबर आने के बाद और जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद भी अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत का एक प्रमाण उजागर होता है जी। चलिए ओपी गुप्ता का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुशीनगर में बता दें क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर सड़क जाम किया है और ऐसे में एसडीएम ने 9 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं देखने वाली बात है कि कार्रवाई आखिर कब तक की जाती है। जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता हत्याकांड के मामले में गवाही देकर लौट रहे पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दलों के कार्यकर्ता पीड़ित से मिलने और दिवंगत बीजेपी नेता को श्रद्धांजलि देने मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने 7 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सभी हमलावर अभी फरार हैं। बताया जा रहा है कि बंगरा के पूर्व प्रधान संदीप दीक्षित जिला न्यायालय उरई से गवाही देकर खल लौट रहे थे, तब उन पर हमला हुआ था और आधा दर्जन हमलावरों ने लाठी डंडों से उन पर जानलेवा हमला किया था। वहीं हमलावरों ने जैसे पुलिस की गाड़ी देखी वैसे ही मौके से हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। बसपा कार्यकर्ताओं की तरफ से ब्राह्मणों के रिझाने के लिए लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बस्ती में भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंच पर पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा का मंत्री राजकिशोर सिंह ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा का सभी ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। आपको बता दें कि गोरखपुर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के बाद राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा बस्ती पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का जो आगरा से है। आगरा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार को रौंद दिया। वहीं टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बाराबंकी जिले में अलग अलग स्थानों से खोए 20 लाख रुपए के मोबाइल फोन मोबाइल रिकवरी सेल ने बरामद कर लिए हैं। जी हां, एसपी ने बताया है कि सभी मोबाइल मालिकों को सौंपे जा रहे हैं ये फोन और एसपी यमुना प्रसाद ने बताया है कि अलग अलग स्थानों से मोबाइल गुम होने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल बरामदगी के लिए मोबाइल रिकवरी सेल को बनाया गया था और ऐसे में टीम ने मशक्कत कर कुछ ही दिनों में 101 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। एसपी ने बताया कि मालिकों को बुलाकर उनके मोबाइल फोन उन्हें सौंपे जा रहे हैं। जनपद बाराबंकी में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया था कि उनका मोबाइल खो गया है। इसी संदर्भ में सर्विलांस टीम और स्वास्थ्य प्रभारी को लगाया गया था कि जितने मोबाइल खोए हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया है उसी गहनता से जांच की जाए। इसी जांच के क्रम में आज 101 मोबाइल बरामद करके उनको उनके जो ओनर है उनको हैंड ओवर किया गया है और सभी लोग बड़े प्रसन्न मुद्रा में खुश हैं कि उनको उनका खोया हुआ मोबाइल मिल गया है और ये जितने मोबाइल खोए हुए हैं उनके सभी के ओनर को बुला करके उनको हैंड ओवर किया जा रहा है। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में
चाचा ने भतीजे की गोली मार दी। वहीं गोली लगने से भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बता दें आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीओ खुर्शा ने बताया कि 2 सितंबर को भतीजे के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी, और जिसके बाद भतीजे गाजियाबाद में मिली। वहीं भतीजे के अचानक गायब होने से भतीजे का चाचा नाराज था, जिसके चलते आरोपी चाचा ने भतीजे को गोली मार दी थी। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।